सनसेट के टाइम पे हो, सनसेट के टाइम पे, विच इज द सनसेट होता है, सनसेट सनसेट सनसेट. हेलो गाइस, वेलकम टू लिविंग ड्रीम्स, जहां सपने होते हैं सच. सो आज हमारी जर्नी है पुणे से लेके वलसाड़ तक. इट इज राउंड अबाउट 370 किलोमीटर्स, 378 के आसपास हो जाएंगे घर पहुंचते. यार इसमें कैमरा बहुत हिल रहा है, सॉरी, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. तो मैं अभी निकला हूँ पुणे से, एंड अप्रोक्सीमेटली मैंने मैप्स पे अभी तक चेक नहीं किया हमें कितना टाइम लगेगा, बट आई थिंक वी शुड रीच देयर इन राउंड अबाउट 6 to 7 hours. 6-7 घंटे क्यों? क्योंकि यहाँ से पुणे सिटी पूरा क्रॉस करने में हमें तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा, और पुणे सिटी क्रॉस करने के बाद एक्सप्रेसवे आता है, एक्सप्रेसवे मुंबई तक, वो क्रॉस करने में हमें तकरीबन अगेन 1.5 hours जैसा लग जाएगा. एंड देन आई एम ट्राइंग के हम लोग सैटरडे आफ्टरनून को मुंबई सिटी एंटर करें, ताकि लेट्स जस्ट होप वहाँ पे ट्रैफिक कम हो. सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक वी शुड बी एबल टू सेव सम टाइम देयर. तो अगर वहाँ पे हमने टाइम बचा लिया, इन दैट केस हम लोग 1.25 घंटे के अंदर वी शुड बी एबल टू क्रॉस. अभी 1.25 घंटे के अंदर वी शुड बी एबल टू क्रॉस मुंबई सिटी. मुंबई सिटी क्रॉस करने के बाद हम लोग NH-48 टच करेंगे, एंड NH-48 हैज बीन वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट हाईवेज. सो बहुत मजा आने वाला है, मैं अकेला हूँ पूरे रास्ते, आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय द ड्राइव, हम लोग साथ में है. एंड इन द मीन टाइम मैंने अभी तक वो वाला व्लॉग अपलोड नहीं किया, बट आई थिंक जब तक आप लोग ये वाला व्लॉग देखेंगे तब तक वो वाला मैं अपलोड कर चुका हूँगा, व्हेन आई एम रिफरिंग टू वो वाला. सो हमने एक नया एडिशन किया है हमारे गैजेट्स के अंदर, जिससे वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वीडियो. सो वो वाला गैजेट मैं पहली बार एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, उससे आई एम अ लिटिल अफ्रेड एंड कॉन्शियस कि पता नहीं वो कैसे रहने वाला है. सो उससे भी मैं कुछ शॉट्स कैप्चर करने की कोशिश करूंगा. माई प्रायोरिटी वुड बी कि हम लोग NH-48 के ऊपर सनसेट के टाइम पे हो. सो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 6 o'clock और सो आई एम टारगेटिंग कि हम लोग NH-48 के ऊपर हो. NH-48 पे मुंबई से गुजरात बॉर्डर के बीच में एक मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट आता है, जहाँ पे आसपास बहुत सारे हिल्स हैं, बीच में से पूरा रास्ता काट के निकाला. इट्स अ ब्यूटीफुल रोड टू ड्राइव, ट्रस्ट मी. सो मेरी कोशिश ये रहेगी कि उस वाले रोड के ऊपर हम लोग शाम तक पहुंच जाएं, एंड वहाँ पे अमेजिंग शॉट्स हम लोग कैप्चर कर पाए. अभी बजे हैं 12:39 एंड आई एम जस्ट अबाउट टू लीव फॉर आई हैव जस्ट लेफ्ट फॉर वलसाड. सो कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स हैव एन ऑसम जर्नी. ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हो चुकी है घर से निकले हुए, बट ट्रैफिक खत्म ही नहीं हो रहा, एंड अभी मुश्किल से हम लोगों ने आई गेस 5-7 kilometers कवर किए होंगे, एंड वी स्टिल हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो. सो बस वही है यार, दिस इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ऑफ एनी रोड ट्रिप इज क्रॉसिंग द सिटी. बस एक बार हाईवे टच हो गया ना, फिर तो देखते जाओ. सो फाइनली हम लोग एक्सप्रेसवे पे पहुंच गए, एंड आई डिड मैनेज टू कैप्चर फ्यू अमेजिंग शॉट्स विद आवर न्यू कैमरा, जो मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ. आई थिंक मैं ये रिकॉर्ड करूँ उससे पहले आई विल ऐड दैट. सो दिस इज द ब्यूटीफुल मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, दिस इज आर अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल थार, एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे नए इंस्टा 360 कैमरे के शॉट्स में इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ. सो वाओ. एंड देन अगेन आई थिंक वी आर ऑन द टाइम लाइन, हम लोग टाइम टू टाइम पहुँच जाने वाले हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग मोस्ट अमेजिंग व्यू कैप्चर करने की कोशिश करेंगे विद अ न्यू 360 कैमरा सनसेट के टाइम पे, विच इज़ द फेवरेट टाइम फॉर मी टू ड्राइव. सो स्टे ट्यून्ड, मोर अमेजिंग वीडियोज टू कम, लेट्स कंटिन्यू विद अ जर्नी. फाइनली वी हैव एंटर्ड बॉम्बे, बॉम्बे एंटर करके न्यू बॉम्बे एंटर होके ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास हो चुका है. स्टिल स्ट्रगलिंग विद अ बिट ऑफ ट्रैफिक, विच इज़ यूजुअल यार, मुंबई में और क्या एक्सपेक्ट करोगे. बट मुंबई का वाइब ही अलग है, इट्स अ वेरी फास्ट सिटी यू नो, एंड हर कोई जल्दी भी होता है यहाँ पे, किसी के पास टाइम नहीं है. बट कंसिडरिंग सैटरडे आफ्टरनून, ट्रैफिक बहुत रीजनेबल है, एंड आई थिंक और
हमें तकरीबन एक आध घंटा और लगना चाहिए पूरा मुंबई सिटी क्रॉस करने में। थाने, इफ यू आर फेमिलियर विद दिस एरिया, तो थाने, गोरबंदर वगैरह सब क्रॉस करके एक वो हमारा नेशनल हाईवे 48 टच करने में स्टिल अप्रॉक्सीमेट 45 मिनट्स टू 1 आवर के आसपास है। वो एक बार हम लोग वहाँ वो हमारे नेशनल हाईवे के ऊपर एक बार चढ़ गए, उसके बाद जो नज़ारे होने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी ऑसम, प्रोवाइडेड ट्रैफिक रीजनेबल हो। सो आई एम ऑल सेट, वेरी एक्साइटेड। मैं इतना एक्साइटेड हूँ, इतना भाई क्या पचका हुआ, मैंने फ़ोन जैसे ही स्टैंड पे लगाया, वैसे मैं रिकॉर्ड का बटन दबाना वो मैंने मिस्टेकनली स्टॉप बटन दबा दिया और मैं बकर किए जा रहा हूँ, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। एनीवे, सो मैं बात ये कर रहा था कि किसी भी रोड ट्रिप स्टार्ट करने से पहले, दिस इज टेक्निकली नॉट इवन अ रोड ट्रिप, दिस इज लाइक अ कम्यूट, जहाँ पे मैं मेरी कर्म भूमि छोड़ के मैं मेरे घर जा रहा हूँ, राइट। सो इट इज जस्ट अ 370 किलोमीटर ड्राइव। बट जैसे ही कल शाम को मैंने डिसाइड किया कि यार मैं घर जाने वाला हूँ, उसके बाद आप मानोगे नहीं, मुझे इतना एक्साइटमेंट था टू ड्राइव, टू गेट ऑन द रोड, मुझे सच में नींद नहीं आई। मुझे मैंने 12:30 बजे आई वॉज ऑन माई बेड, आई वॉज लाइक लेट मी हैव गुड 6-7 आवर्स ऑफ गुड स्लीप, बट भाई नींद आए तो ना। 2:30 बजे तक मैं इधर उधर होते रहा, 2:30 बजे जैसे जैसे करके मुझे थोड़ी बहुत नींद आई और सुबह 7:30-7:30 बजे मेरी नींद खुल गई थी कि यार अब तो 12 बजे निकलना है। मैं आराम से और 3-4 घंटे सो सकता था, बट उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैंने इधर उधर की चीज़ें करना शुरू कर दी, थोड़ा शेविंग वेविंग हेयर कट कराने गया एंड उसके बाद कार वॉश कराने गया, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम वो करा के वापस आया, पैकिंग की और फिर 12:30 के अराउंड में निकल गया घर से। ऐसा है, सो फार जर्नी हैज़ बीन वेरी गुड। ये एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अभी 4:24 हो रहा है, सो आई थिंक बाई 6 o'clock, जो अराउंड 6:15 से 6:45 का जो टाइम होता है जिसके बीच में शायद सनसेट होता है, तो आई थिंक वो हम लोग इन्जॉय करने वाले हैं। यू नो द बेस्ट पार्ट के मतलब जैसे ही ये जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे ड्राइव करने का जो एड्रेनल होता है ना, इट इज़ आई डोंट नो, मतलब फॉर मी इट इज़ वेरी डिफरेंट। इतना मज़ा आता है उस वाले पीरियड में ड्राइव करने का कि यू नो इफ़ यू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, 4:30-4:30 में भी 5 बजे आपने स्टार्ट किया और यू नो अराउंड 6ish जैसे सनराइज होना शुरू होता है, उसके बाद यू नो यू टेक एंड देन 7:15 तक थोड़ा सनराइज प्रॉपर हो जाता है एंड देन यू स्टॉप समवेयर और वो चाय की चुस्की, दैट फीलिंग इज ऑल डिफरेंट, आई जस्ट लव इट। एंड सेम विद इवनिंग में सनसेट के टाइम पे, कि जैसे यू नो 5-5:30 बजे के आसपास हल्की हल्की ठंडक होने लगती है, 6 बजे के आसपास, एंड देन हल्के हल्के से धीरे धीरे लाइट फेड होने लगती है एंड देन धीरे धीरे अंधेरा आने लगता है, वो फीलिंग अलग ही लेवल की होती है। एंड वो सनसेट देखने का जो मज़ा होता है ना, स्पेशली ऑन हाईवेज एंड ऑन बीच एंड ऑन माउंटेन्स, कुछ और छोड़ा क्या मैंने। तो ये तीनों जगह से जो सनसेट देखने का मजा होता है ना, इट इज सो इनक्रेडिबल, मतलब आई पर्सनली जस्ट लव ड्राइविंग। सो जैसे ही हम लोग नेशनल हाईवे 48 टच करेंगे, अभी तो हम लोग थाने क्रॉस कर रहे हैं, थाने क्रॉस करने के बाद हम लोग गोरबंदर रोड क्रॉस करेंगे, गोरबंदर रोड क्रॉस करने के बाद हम लोग सीधा नेशनल हाईवे 48 पे चढ़ जाएंगे। सो नेशनल हाईवे 48 पे जैसे ही चढ़ेंगे मैं वापस से इंस्टा 360 लगा दूंगा, उसके कुछ फुटेजेस में कैप्चर करूंगा, यू नो पॉसिबली अ ब्यूटीफुल सनसेट। वो ड्राइव बहुत अच्छा है, पूरा पहाड़ों के बीच में से है, इट्स नॉट अ कर्वी रोड, इट इज अ प्रॉपर 6-lane highway, बट वो पहाड़ों के बीच में से जाता है, सो आई एम प्रीटी श्योर के वो ड्राइव बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है। मेरे लिए तो हर बार रहता है, बट देन इट विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं उसको वीडियो में कैप्चर करूंगा, व्लॉग के अंदर कैप्चर करूंगा, तो वो एक चीज है। और आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप लोग को वो कैसा लगा, वो इंस्टा के शॉर्ट्स कैसे लगे, मैं उसको और कैसे बेटर बना सकता हूँ, और अगर आपको कोई ऐप पता हो जिससे मैं और उसको अच्छी तरह से इन्हांस करके एडिटिंग कर सकता हूँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, मेरे लिए ये सारे स्किल्स अभी बहुत नए हैं। सो आई एम वेरी कीन एंड एक्साइटेड टू नो, टू लर्न
और नई नई चीजें सीखने और एक्सप्लोर करने के लिए आई एम वेरी ओपन टू इट. तो अगर इफ यू नो समथिंग विच इज बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक इट अप. सो स्टे ट्यून्ड. बस कुछ घंटों का या मे बी मिनटों का ड्राइव है, उसके बाद विल बी ऑन द नेशनल हाईवे. नेशनल हाईवे जो है वहां पे एक ब्रिज है. अब वो ब्रिज सालों से मैंने हमेशा बनते हुए ही देखा है. मैंने मतलब मैं बचपन से इस वाले रूट से आता जाता रहता हूँ, एटलीस्ट साल में 2-3 ट्रिप तो हो ही जाती है. तो मैंने वो ब्रिज कभी चालू देखा ही नहीं है. बट आई थिंक मैंने नितिन गडकरी सर का मैंने पोस्ट देखा था 1 या 2 दिन पहले. तो शायद वो फर्स्ट ऑफ आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल, बट वो शायद फर्स्ट ऑफ अप्रैल या मे बी 31st of March को, मतलब 1-2 दिन आगे पीछे वो चालू हो गया है. तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग जिसके लिए यू नो आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर कि अगर वो खुल गया होगा ना तो आई गेस 20% का डिफरेंस तो आ जाएगा ट्रैफिक में. अगर आप ये रूट से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पता है कि कितना पेन है होटल फाउंटेन और उसके बाद जो ब्रिज है वो क्लियर करना. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक हो गया होगा जहाँ तक मैंने सर का पोस्ट देखा था. और अगर वो हो गया है तो यार क्या बात है यार. होटल पे एक छोटा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक ले लिया और रास्ते के लिए एक डाइट कोक ले ली. कोक लाइट 100 रुपये की आई भाई. और यहाँ से अभी दिखा रहा है 167 किलोमीटर्स के आसपास दिखा रहा है कि 3 घंटे लगेंगे. बट आई बिलीव कि हम लोग ऑलमोस्ट 2.5 से 2.5 घंटे के अंदर पहुंच जाने चाहिए. तो लेट्स सी कितना कवर कर पाते हैं. और नया वाला ब्रिज भी शुरू. दिस इज द एंट्री ऑफ द वसई क्रीक ब्रिज. पता नहीं कितने सालों की, कितने लोगों की मेहनत और कितने करोड़ों के इन्वेस्टमेंट के बाद ये वाला ब्रिज बना है. बट यार आई एम सो ग्लैड कि ये वाला ब्रिज बना है. पता है इस ब्रिज की सख्त जरूरत थी. इसके वजह से यहाँ का ट्रैफिक जो ये नहीं है, नीचे पूरा ट्रैफिक जाम दिख रहे हो, आई डोंट नो कि आपको कितना दिख रहा होगा, बट ये पूरा जैम इस ब्रिज के एब्सेंस की वजह से है था. बट आई बिलीव यू नो ये ब्रिज खुल गया है उसके वजह से अब बहुत 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 फर्क पड़ेगा. एंड यार बहुत शानदार ब्रिज बनाया है. इट इज ह्यूज, इट इज मैसिव. एंड जस्ट लुक एट द व्यू. वाओ, इट इज ब्यूटीफुल, इट इज मैग्निफिसेंट यार. सो हम लोग अभी वसई क्रीक क्रॉस कर रहे हैं यहां से. मैंने शेड्स लगा के रखे हैं क्योंकि बाहर धूप बहुत है. बट द व्यू इज नाइस, द ब्रिज इज वेरी नाइस. बहुत हाइट पे है यार. मतलब मेरे को तो थोड़ा हाइट का मेरे को डर भी लगता है. एंड ऊपर से थार और भी ऊंची है. सो थार में से यू एक्चुअली फील, मतलब ये जो साइड के पिलर्स होते हैं ना उसके नीचे आपको एक्चुअल में दिखता है. तो यार थोड़ा डर तो लगता है. बट यार बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है. अगर एक बार बाहर से दूर से अगर आप देखो ना तो आपको फील होगा कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में बहुत बड़ा है. ह्यूमंस आर इनक्रेडिबल. मतलब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. एंड द वे दिस ब्रिज हैज बीन क्रिएटेड, इट इज एन एक्सेप्शनल अचीवमेंट. मुझे याद है कि यहाँ पे 15-20 मिनट ट्रैफिक में फंसना नॉर्मल बात है. अगर किसी दिन आपका दिन खराब हो तो आप आराम से 1/2 घंटा, 1.5 घंटा, 1-1 घंटे तक मैं यहाँ पे फंसा हूँ. एंड अभी 10 मिनट के अंदर हमने पूरा क्रॉस कर लिया. सो ग्रेट, वेरी गुड अचीवमेंट. एंड नितिन गडकरी सर बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हाईवेज बना रहे हैं. बस हम उनसी हाईवेज के ऊपर ट्रैवल करेंगे एंड विल ट्राई टू कैप्चर एज मच एज वी कैन. एंड इसी के साथ हम लोग एंटर कर चुके हैं नेशनल हाईवे 48 पर. और अब यहाँ से हमारी तकरीबन 170 किलोमीटर की जर्नी शुरू होती है वलसाड़ तक की. फाइनली वो मोमेंट, नेशनल हाईवे नंबर 8, सनसेट. एंड जस्ट लुक एट दिस मैग्निफिसेंट व्यू. बहुत प्यारा व्यू है यार. एंड बहुत प्यारी ड्राइव है. पहाड़ के ऊपर जो सनसेट होते हुए दिख रहा है ना, इट इज सो ब्यूटीफुल. वाओ, मजा आ रहा है. रोड्स अच्छे हैं, ट्रैफिक रीजनेबल है एंड द ड्राइव इज गुड. सही यार, लाइफ सेट है. हर वीकेंड ऐसे लॉन्ग ड्राइव्स होती रहे लाइफ में और क्या चाहिए यार. बस एवरी पॉसिबल रोड के ऊपर ड्राइव करना है, यही गोल है हमारा. जितना हो सके उतना ट्रैवल करना है, जितना हो सके उतनी रोड ट्रिप्स लेनी है. एंड देन यू नो वी वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग विद अवर कार. तो यार रोड ट्रिप्स का मजा ही अलग है यार. सनसेट का मजा ही अलग है. जस्ट लुक एट दिस मैग्निफिसेंट व्यू. वाओ,
कॉन्सेप्ट्स के दीवाने हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो फाइनली एक छोटा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक, एक टोल क्रॉस किया है अभी, मैं कहा थोड़ा सा सनसेट एंजॉय कर लेते हैं, हमारा कैमरा निकाल देते हैं और एक छोटा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। अभी मैंने जस्ट चेक किया तो 84 किलोमीटर दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद वैसे पता नहीं मैक्सिमम 1 hour 34 minutes तो दिखा रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग 1 hour के अंदर पहुँच जाएंगे, लेट्स होप। बट ऐसा भी हो सकता है कि बीच में शायद थोड़ा ट्रैफिक हो उसके वजह से ऐसा दिखा रहा हो, तो लेट्स सी। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं, 5 minutes रुकते हैं, थोड़ा सा सनसेट इन्जॉय करते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे की ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। मिनट के ब्रेक के बाद वापस से कंटिन्यू करते हैं। 84 किलोमीटर्स बचे हैं अभी, और इसी के साथ लो फ्यूल की लाइट आ चुकी है तो हमें एक बार फ्यूल के लिए रुकना पड़ेगा। बट वही है कि गुजरात में फ्यूल सस्ता है तो आई थिंक अभी बॉर्डर क्रॉस करके ही फ्यूल डलाएंगे। जी सर आप पहले चले जाइए, भाई ये ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ भी इजी नहीं होती, फर्स्ट लेन पे चलाने के अलावा ये लोग बाकी सारे काम बहुत अच्छे करते हैं, बस इन लोग को फर्स्ट लेन में नहीं चलाना चाहिए। प्यारा सा सनसेट, अमेजिंग सा रोड, एंड एक बहुत गंदा पचका हुआ है, 360 की बैटरी अब भी खत्म हुई है 5 minutes पहले तो मैंने सोचा था कि मतलब बहुत अच्छे से शॉट्स आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, घर जाके शांति से एडिटिंग के टाइम पे चेक करूंगा, बट शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें कैप्चर ना हुई हो, जैसे ये वाला जो पीरियड होता है जब व्हेन द सन इज ऑलमोस्ट सेट एंड हल्की हल्की सी लाइट्स होती है, हल्की मीठी मीठी सी ठंडक हो जाती है, मुझे थोड़ा ये वाला भी कैप्चर करना था 360 से बट नहीं हो पाया, बट कोई नहीं, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम वापस कर लेंगे। कुछ दिनों बाद वापस किसी रोड से तो जाना है एंड आई थिंक टाइमिंग भी सेम होगा, उस टाइम पे सनसेट के टाइम मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक्सप्रेस वे पे होंगे। सो लेट्स सी, चेजिंग सनसेट्स, चेजिंग सनराइजेस एंड रोड ट्रिप्स, लिविंग ड्रीम्स, जहाँ सपने होते हैं सच। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं वलसाड़ गूगल मैप्स को नहीं बीट कर पाया यार, 7:45 बज गए क्योंकि वापी में हाईवे के ऊपर कुछ तो पता नहीं ब्रिज का काम चल रहा है उसके वजह से डाइवर्जन था तो वहां पे टाइम लग गया, और वलसाड़ वापी इज लाइक 30 किलोमीटर दूर है तो रेगुलर कम्यूटर्स बहुत होते हैं इस वाले रूट के ऊपर, तो वही सैटरडे इवनिंग का टाइम है, यहाँ पे मोस्टली आईटी कंपनीज नहीं है राइट, सो सैटरडे वर्किंग होता है लोगों का, तो बहुत सारी ट्रैफिक थी हाईवे के ऊपर एंड तो उसकी वजह से थोड़ा डीले हो गया, बट यू नो इट वाज अ वेरी 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 गुड ड्राइव, बहुत मज़ा आया एंड नथिंग सो डिफरेंट। आई थिंक ये मैं महीने में एक दो बार करता ही हूँ, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल इवन स्टार्ट रिकॉर्डिंग इट एंड मेकिंग व्लॉग्स अबाउट इट, सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, do comment your thoughts below and living dreams.